الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم lecture 6 math 2 3 4 5 ये टेबल हो चुके हैं इनको रिवाइज कीजिए ऊपर लिखा हुआ है टेबल रिवाइज किए बगैर आप मैथ में आगे नहीं जा सकते 6 का टेबल है पूरा लर्न कीजिए डॉजिंग जो है वो देखें कि आपको आता है या नहीं आता पेरेंट्स पूछें ये कुछ जो है क्वेश्चंस हैं सम्स हैं बेसिकली ये स्टेटमेंट्स हैं कि अगर जो है वो किसी के पास जो है वो कुछ बॉक्सेस हैं 3 बॉक्सेस हैं हर बॉक्स में कुछ आर्टिकल्स हैं वो 4 हैं केक्स हैं बताएं टोटल केक्स कितने हैं 3 4 डैश अब इसका सलूशन मैं साथ साथ आपको बताता हूँ ये पहले का है 3 4 आपको टेबल आना चाहिए 12 तो इसका मतलब टोटल जो है वो जो केक्स हैं वो 12 हैं ये ग्रुप्स से ग्रुप्स का मतलब कि एक जो है वो हमारे पास जो डिब्बा है उसमें 4 तो केक्स हैं लेकिन कुल बॉक्सेस कितने हैं वो ग्रुप्स कहलाते हैं वो बॉक्सेस भी हो सकते हैं वो केजेस भी हो सकते हैं वो पार्सल्स भी हो सकते हैं दूसरा हमने देखना है कि ये पार्सल्स कितने हैं मैं एक ही चीज जो यूज करता हूँ पार्सल या बॉक्सेस पार्सल कितने हैं एक पार्सल या एक बॉक्स में जो केक्स हैं वो 8 हैं 32 टोटल जो है वो केक्स हैं बताएं कितने बॉक्सेस या पार्सल्स बनेंगे तो टेबल पढ़ना है कि कौन सा टेबल जो है वो 8 तक पढ़े तो वो 32 आए 4 8s are 32 दैट इज द आंसर ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं वाई भी लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है आपने आंसर उसका फाइंड करना है डैश और एक्स इंटू 4 = 8 कितने बॉक्सेस हैं हर बॉक्स में 4 केक्स हो टोटल केक्स 8 हैं टोटल बॉक्सेस कितने हैं 2 4 8 दैट इज द आंसर ये सोल्यूशन है इसका 6 × 30 6 बॉक्सेस या पार्सल्स हैं कितने हर पार्सल में जो है वो केक डाले जाएं कि टोटल 30 जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएं तो 6 5 are 30 5 इज द आंसर जो अननोन था वो फाइंड किया दैट इज द आंसर 4 × 20 4 पार्सल या बॉक्सेस हैं हर एक में कितने जो है वो हम उसमें पार्सल्स में और केक्स डालें कि वो 20 हो जाए 20 को डिवाइड करना है तो 4 5s are 20 हर एक में 5 आएंगे 4 5s are 20 ये आप पहले खुद इसको देखिए सॉल्व खुद करें फिर यहां से हेल्प लें उसके बाद ये आपकी असाइनमेंट है ये 1 ये देखिए 2 3 4 5 मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा आप अननोन जो है वो फाइंड करें पहले टेबल का याद होना बहुत जरूरी है इट्स ओके okay.